हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट करेंगे. रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन डिफाइन एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू द यंग वंस. रिप्रोडक्शन वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करेगा. रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इसेंशियल प्रोसेस होती है किसी भी स्पीसीज़ की कंटिन्यूटी के लिए. अगर कोई भी स्पीसीज़, जैसे कि कोई भी हायर ऑर्गेनिज्म या लोअर ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल, एनिमल में आप किसी भी टाइप के ऑर्गेनिज़म्स ले सकते हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या बाई मल्टीसेलुलर, वो सभी रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं. क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी जो स्पीसीज़ है उसको एक्सटिंक्ट होने से बचाना है. ऐसे में रिप्रोडक्शन अलग अलग ऑर्गेनिज़म्स के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप का होता है. सबसे पहले इसके मेजर टाइप्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हमें बहुत अच्छे से पता है जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें मोस्टली टू टाइप के ऑर्गेनिज़म्स की नीड होती है. लेकिन जो रिप्रोडक्शन के टाइप हैं एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल में सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं. रीज़न, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी टाइप के गैमीट के फॉर्मेशन की नीड नहीं होती है जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विदाउट गैमीट फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होता है. तो पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्स्ट पॉइंट आता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है. सिर्फ एक ही टाइप का ऑर्गेनिज्म, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर सकता है. ऐसे में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोटिक डिवीज़न होता है. माइटोटिक डिवीज़न एंड मियोटिक डिवीज़न, ये आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं. माइटोटिक जो डिवीज़न होता है उसमें सेम टाइप की, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम की सेल्स बनती हैं. मियोटिक डिवीज़न या मियोसिस में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की फोर सेल्स का फॉर्मेशन होता है. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, माइटोटिक डिवीज़न होता है, और जो यंग वन या न्यू ऑफस्प्रिंग जो जनरेट होता है वो क्लोन, यानी कि एज इट इज, एज सेम एज पेरेंट, ये बिल्कुल पेरेंट की कॉपी होता है. क्लोन वर्ड हम इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी टाइप के क्रोमोसोम्स की मिक्सिंग नहीं हुई है. यहाँ पर जब हमने बात की थी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है. गैमीट के फॉर्मेशन के लिए मियोसिस या मियोटिक डिवीज़न की नीड होती है. हमें यहाँ पर मियोटिक डिवीज़न नहीं, मतलब मियोटिक डिवीज़न यहाँ पर परफॉर्म नहीं होता है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस होगा. माइटोसिस होने की वजह से यहाँ पर क्रोमोसोम्स की इंटरमिक्सिंग नहीं होती है. इसलिए जितने या जिस टाइप के जीन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट के पास प्रेजेंट होंगे वैसे ही अगली जनरेशन में या नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट हो जाएंगे. ऐसे में वो जो ऑफस्प्रिंग होगा वो बिल्कुल सेम, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म होगा, उसे हम क्लोन बोलेंगे. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है,
माइटोटिक डिवीजन होता है, और जो ऑफस्प्रिंग होगा वो पेरेंट की कॉपी होता है या एज इट इज क्लोन होता है। अब हमको देखना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप। टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसीलिए प्लांट्स में, एनिमल्स में अलग अलग टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें अलग अलग मेथड्स अकर होते हैं। हम बहुत सारे वेरिएशंस क्लासिफिकेशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं प्लांट और एनिमल, उनमें माइक्रोस्कोपिक से लेके मल्टी सेलुलर तक ढेर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, और उनकी एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी डिफरेंट होती है। ऐसे में उनके बॉडी शेप, साइज और उनके क्राइटेरियाज़ के अकॉर्डिंग, उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग, उनमें अलग अलग तरीके का रिप्रोडक्शन फॉर्म होता है। ऐसे में टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्स्ट टाइप फिजन। हम बात कर रहे थे पेरेंट ऑर्गेनिज्म के बारे में, यहाँ पर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। सिंगल पेरेंट जो होगा, जब उसकी बॉडी, पेरेंट बॉडी टू और मोर पार्ट्स में डिवाइड हो जाए और वो डिवाइडेड पार्ट इंडिविजुअली ग्रो करके पूरा के पूरा होल ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर ले, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फिजन। इन दिस प्रोसेस द पेरेंट बॉडी डिवाइड इंटू टू और मोर डिवाइडेड इंटू टू और मोर सेगमेंट्स। फिजन, इन दिस प्रोसेस द पेरेंट बॉडी डिवाइड इंटू टू और मोर सेगमेंट्स। फिजन में क्या होगा, जो पेरेंट बॉडी होगी वो या तो टू पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगी या टू से ज़्यादा पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगी। इस बेसिस पर फिजन जो होता है वो टू टाइप का होता है, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। जो बाइनरी फिजन होता है उसमें पेरेंट बॉडी सिर्फ टू पार्ट्स में स्प्लिट होती है, और जो मल्टीपल फिजन होता है उसमें जो पेरेंट बॉडी होगी वो मल्टीपल पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है। नेक्स्ट फर्स्ट फिजन, सेकेंड आता है हमारा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाता है और सारे फ्रेगमेंट्स अलग अलग एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। मतलब अगर हम एग्जांपल लें तो एल्गी में जो फिलामेंटस एल्गी होती है, मतलब एक फिलामेंट शेप की जो एल्गी होगी उसमें कई सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अब इन सेल्स को अगर हम छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर दें, तो जितने भी सेगमेंट्स वो बॉडी डिवाइड करेगी उन सारे सेगमेंट से एक नया इंडिविजुअल फॉर्म हो सकता है। फ्रेगमेंटेशन में हम एग्जांपल लेते हैं स्पॉन्जेस का। स्पॉन्जेस जो होते हैं ये फ्रेगमेंटेशन मेथड से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आता है बडिंग।
बडिंग, बडिंग जो प्रोसेस होती है इसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक आउटग्रोथ फॉर्म हो जाती है और यह आउटग्रोथ जो होगी वो धीरे धीरे डेवलप होती जाएगी और एक टाइम बाद ये पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाती है और वो सेपरेट जो आउटग्रोथ होगी वो एक नया इंडिविजुअल फॉर्म कर लेती है। ये प्रोसेस बडिंग कहलाती है। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं ईस्ट का, ईस्ट, हाइड्रा एटसेट्रा। इसमें इसको मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देती हूँ आपको बडिंग का। मान लो ये ईस्ट है तो इसमें कहीं पर भी एक छोटी सी बड फॉर्मेशन होने लगेगी, दैट इज बड। धीरे धीरे ये बड जो होगी ये बड़ी होती जाएगी और एक टाइम बाद ये पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाएगी और ये एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म कर लेगी। तो इस तरीके से ये जो बडिंग मेथड है ईस्ट, हाइड्रा और अदर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा गैमीज। आपने जब प्लांट किंगडम पढ़ा था तब लिवरवर्ट्स या मॉसेस के बारे में पढ़ा होगा ब्रायोफाइटा में। ये जो ब्रायोफाइटा के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें एक स्पेशल एसेक्सुअल स्ट्रक्चर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे हम गैमीज या गैमा कप बोलते हैं। ये जो गैमीज या गैमा कप होते हैं ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर उनकी प्लांट बॉडी पर प्रेजेंट होती है डॉर्सल सरफेस पर और ये एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। ये जैसे ही मेन प्लांट बॉडी से शेड ऑफ होकर सॉइल में जाती है तो नया प्लांट जनरेट कर लेती है। तो यहाँ पर जो गैमी है ये कुछ इस तरीके से कप शेप्ड स्ट्रक्चर में प्लांट की सरफेस पर अटैच्ड होती है। जब ये शेड ऑफ होती है तब ये जर्मिनेट करके न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर लेती है। इसमें गैमीज में हम एग्जांपल लेते हैं मार्केंशिया का। ये लिवरवर्ट का एग्जांपल है मार्केंशिया। इसमें हमें गैमा कप या गैमीज देखने को मिलते हैं। एक और एग्जांपल हम एंथोसिरोस भी ले सकते हैं, उसमें भी हमें गैमीज फॉर्मेशन दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट रीजनरेशन। जब कभी मेन प्लांट बॉडी या एनिमल बॉडी से कोई भी बॉडी पार्ट कट हो जाता है या अलग हो जाता है तो उस बॉडी पार्ट का वापस से जनरेट हो जाना रीजनरेशन के अंडर आता है। ये रिप्रोडक्शन का मेथड इसलिए है कि कभी कभी कोई ऑर्गेनिज्म एक्सीडेंटली या नॉर्मली टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है तो उसका जो पार्ट लॉस हुआ है वो उसको वापस से रीगेन कर लेता है या रीजनरेट कर लेता है, इसलिए इस प्रोसेस का नाम रीजनरेशन होता है। इसमें एग्जांपल हम ले सकते हैं स्टारफिश का। स्टारफिश के जो ट्यू फीट होते हैं अगर उनमें से कोई एक लॉस हो जाता है या फिर आधे, जैसे कि ये स्टारफिश है इसको अगर हम इस तरीके से कट कर देंगे तो दोनों पार्ट अपना अपना लॉस पार्ट वापस से रीगेन कर लेंगे, इसीलिए इस प्रोसेस को रीजनरेशन हम बोलते हैं। रीजनरेशन कैपेसिटी फाइलम वाइज धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है। अगर हम फाइलम्स की बात करें तो क्लास 11th में हमने जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने पोरीफेरा से लेके कॉर्डेट्स तक के सारे
सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था। पोरीफेरा में आते हैं स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस के पास सबसे ज़्यादा रीजनरेशन कैपेसिटी प्रेजेंट होती है। धीरे धीरे जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाते हैं, फाइलम बाय फाइलम इनकी रीजनरेशन कैपेसिटी जो होती है वो कम होती चली जाती है। जैसे कि आप लोगों ने कॉमन एग्जांपल घर में देखा होगा, जो लिजार्ड होती है छिपकली, उसकी अगर टेल शेड ऑफ हो जाती है या पूंछ गिर जाती है तो वो वापस से न्यू उग जाती है। तो ये क्या है? रीजनरेशन है। अब अगर हम बात करें कि उनका कोई जो लिम्ब है या पैर है वो कट जाए तो क्या वो दोबारा से रीजनरेट हो सकता है? तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उनमें एक लिमिटेड रीजनरेशन कैपेसिटी है। उनकी बॉडी में सिर्फ टेल में वो रीजनरेशन कैपेसिटी है, बाकी होल बॉडी में नहीं है। जबकि हम लोअर ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करें तो पोरीफेरा की हर एक सेल में वो रीजनरेशन कैपेसिटी होती है कि आप पोरीफेरा के किसी स्पॉन्ज के सेल बाय सेल उसको अलग कर दें और हर एक सेल क्या करेगी? रीजनरेट होके होल स्पंज का फॉर्मेशन कर लेगी। तो ये होती है रीजनरेशन कैपेसिटी, जो कि फाइलम बाय फाइलम ऊपर आते आते उनके डिक्रीज होता जाता है, रीजनरेशन कैपेसिटी कम होती जाती है। नेक्स्ट सिक्स पॉइंट आता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन प्लांट और एनिमल दोनों में ही प्रेजेंट होता है। जो बैक्टीरियाज होते हैं या स्पोर्स का फॉर्मेशन बैक्टीरियाज जो होते हैं वो भी फॉर्म करते हैं। इसके अलावा प्लांट में ये सारी चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। स्पोर का फॉर्मेशन लोअर ऑर्गेनिज्म एल्गी फंजाई ब्रायोफाइट्स में आप स्पोर्स के बारे में ज़्यादा पढ़ चुके होंगे। स्पोर्स जो हैं ये प्लांट का स्पेसिफिक फीचर होता है। प्लांट्स में स्पोर का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है। ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है। कोई भी प्लांट बॉडी मेल या फीमेल स्पोर्स का फॉर्मेशन करती है और वो स्पोर्स मेन प्लांट बॉडी से अलग होके दोबारा से जो जनरेशन करते हैं उसमें वो सेम अपने पेरेंट के जैसे प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर लेते हैं। एग्जांपल में हम फंगाई एल्गी किसी का भी एग्जांपल ले सकते हैं। इनमें प्रेजेंट होते हैं जू स्पोर्स, एप्लैनो स्पोर्स, एंड सो ऑन। ढेर सारे टाइप के स्पोर्स होते हैं जो अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे 6 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड थे। इसमें एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन वैसे तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप होता है, बट वेजिटेटिव जो प्रोपगेशन है ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट में हमको देखने को मिलती है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब होता है जो प्लांट्स होते हैं उनमें हम उनके बॉडी ऑर्गेन्स को 2 पार्ट में इजीली अलग कर सकते हैं। सेक्सुअल पार्ट अलग होते हैं और एसेक्सुअल यानी कि वेजिटेटिव पार्ट अलग होते हैं। अब हम इनकी डेफिनेशन क्लियर करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होने वाले बॉडी पार्ट सेक्सुअल पार्ट होंगे और नॉर्मल जो बॉडी पार्ट होते हैं उनको वेजिटेटिव ऑर्गेन्स बोला जाता है। तो ये वेजिटेटिव ऑर्गेन्स प्लांट में क्या होते हैं? प्लांट में जो फ्लावर होता है ये सेक्सुअल पार्ट कहलाता है, क्योंकि
फ्लावर पर ही मेल और फीमेल दोनों टाइप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए फ्लावर जो होता है वो सेक्सुअल पार्ट कहलाता है, जबकि प्लांट के रूट, स्टेम, लीव्स, ये सभी जितने भी पार्ट हैं ये सभी वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाते हैं। और आपने अपने डेली लाइफ में ढेर सारे ऐसे प्लांट के एग्जांपल्स देखे होंगे कि जिनका आप रूट, स्टेम या लीव्स को कट करके कहीं सॉइल में लगा देते हैं तो एक नया प्लांट उग जाता है। तो ये सभी जो मेथड होते हैं ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के मेथड कहलाते हैं। ये जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है इसके टू टाइप होते हैं। एक्चुअली इसको टाइप ना बोल के हम मेथड्स बोलें तो ज़्यादा इजी होगा। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कराने के टू मेथड्स होते हैं, नेचुरल मेथड एंड आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, नेचुरल की अगर हम बात करें तो नेचुरल में जो चलो एग्जांपल के साथ ही पढ़ते हैं हम इसको, रूट ट्यूबर्स, रनर्स, एडवेंशियस बर्ड्स, अंडरग्राउंड स्टेम एटसेट्रा। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में टू मेथड्स हमने लिए हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल में रूट ट्यूबर्स, रनर्स, एडवेंशियस बर्ड्स और अंडरग्राउंड स्टेम्स, ये सारे नेचुरल मेथड होते हैं क्योंकि नेचुरली ये इस मेथड के थ्रू रिप्रोडक्शन फॉर्म करते हैं और न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है। आर्टिफिशियल में हम कुछ अलग मेथड्स लेके चलते हैं, लाइक ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग, कटिंग। ये जो मेथड होते हैं ये हम नॉर्मली जो हमारे गार्डन्स होते हैं उनमें हम फ्लावरिंग प्लांट्स को लगाने के लिए इन मेथड्स का यूज़ करते हैं। ग्राफ्टिंग मेथड में हम क्या करते हैं, टू टाइप के किसी भी प्लांट होते हैं उनको साथ में ग्राफ्ट कर देते हैं, या कटिंग में हम उनके स्टेम्स कट करके उनकी लीव्स को कट करके सॉइल में लगाते हैं जिनसे कि न्यू प्लांट जनरेट होता है। तो ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के टू मेथड्स हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल में हम रूट ट्यूबर्स, रनर्स, एडवेंशियस बर्ड्स या अंडरग्राउंड स्टेम्स, इन सब की हेल्प से नेचुरली इनमें न्यू जनरेशन फॉर्म होती है, और आर्टिफिशियल में ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट होता है और ये ह्यूमंस के थ्रू ही सॉइल में लगाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।